छतरा ट्रेजडी के बाईपास नहीं है यहाँ पर। अगर टिकट आपको मिलता है और चुनाव लड़ते हैं तो विकास का पहला मुद्दा क्या होगा आपका? जो मोदी जी के एजेंडा को, मोदी जी के विकास के एजेंडा को जो हर जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है, छतरा में इम्प्लीमेंट करें। छतरा का मुझे लगता है इग्नोर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। हमारे साथ सुदेश वर्मा जी मौजूद हैं और ये दिल्ली से चलकर छतरा पहुँचे हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इन किन मुद्दों के साथ छतरा पहुँचे हैं। सबसे पहले तो आपका न्यूज बायोस्कोप में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप दिल्ली से चल करके और छतरा आए और लोगों से रूबरू हुए, हम पत्रकारों से रूबरू हुए, क्या कारण रहा? देखिए, सामाजिक कारणों से आया था यहाँ पर। एक कायस्थ समाज का कुछ लोग ऑर्गेनाइज किए तो बुलाया था हमें, और छतरा में आता रहता हूँ और पत्रकारों को भी संबोधित करता हूँ, चीज़ों को जानने का प्रयास करता हूँ यहाँ क्या हो रहा है, और जो हमारा विकास का एजेंडा है मोदी जी का, उसको लोगों तक कोशिश करते हैं कि पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा। उसी संदर्भ में आज आप लोगों से मुलाकात किया। अब छतरा पहुँचते हैं तो आखिर ऐसा छतरा से क्या लगाव है कि छतरा पहुँच कर लोगों से रूबरू होते हैं और मिलते हैं हमेशा? छतरा मेरी जन्मभूमि है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। यहाँ देवलखाना स्कूल है, जहाँ आज पक्का आपको सीढ़ी मिल जाएगा, वहाँ टाट के जो बोरा होता है ना, बोरा में बैठ के नीचे हम लोग पढ़ते थे जब बच्चा थे, तो हमारा ननिहाल रहा है और हम लोग छतरा से ही आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को। क्योंकि बहुत सालों यहाँ बताए, यहीं से पढ़ाई लिखाई किए, फिर बाहर गए, तो जब भी छतरा आते हैं तो दुख होता है कि छतरा का विकास उस तेजी से नहीं हुआ जिस तेजी से होना चाहिए था। तो जब दूसरे जगह जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, तो देखते हैं बहुत तेज़ी के साथ विकास हुआ है। और झारखंड में भी जाएंगे, बोकारो चले जाएंगे, रांची चले जाएंगे, गोड्डा भी चले जाएंगे, तो देखिए कि विकास आपको दिखेगा, छतरा में नहीं दिखता है। तो क्या कारण है, इन सब चीज़ों को जानने समझने की ज़रूरत है और सोल्यूशन देने की ज़रूरत है। वो तो आप लोगों से ही आएगा, यहाँ की जनता ही सोल्यूशन देगी। लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसको लेकर के भी अब छतरा है ऐसा कुछ है, क्या लगाया जा रहा है? देखिए, लोकसभा का चुनाव तो आता जाता रहता है और पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो यहाँ कैंडिडेट होगा और वो जीतेगा। कि छतरा तो बीजेपी का गढ़ रहा है शुरू से, एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए तो बीजेपी का ही कैंडिडेट जीता है। अभी पार्टी को डिसाइड करना है पार्टी किसको देती है, और हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं वो सब सामर्थ्य हैं, किसी को भी टिकट दे सकता है। टिकट जिनके साथ मिलेगा आप उनके साथ हैं? अगर यह टिकट आपको ही मिलता है आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? जिसको भी टिकट मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा, बीजेपी के टिकट को कौन ना बोलेगा बताइए, जब ये बीजेपी का गढ़ है। जिसको भी मोदी जी चाहेंगे, जिसके कंधे पर वो भार रखना चाहते हैं, वो व्यक्ति लड़ेगा। अगर टिकट आपको मिलता है और चुनाव लड़ते हैं तो विकास का पहला मुद्दा क्या होगा आपका? देखिए, कोई भी कैंडिडेट हो, पर्सनलाइज ना करें इसको, तो मैं आपको बताऊँ, कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे आप हो, हम हो या एक्स वाई जेड हो, अगर उसको ये दायित्व तो मिलता है कि बीजेपी को रिप्रेजेंट करे, तो उसका एक ही फंक्शन होना चाहिए, एक ही कार्य होना चाहिए, जो मोदी जी के एजेंडा को, मोदी जी के विकास के एजेंडा को जो हर जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है, छतरा में इम्प्लीमेंट करें। कैसे इम्प्लीमेंट करें? कनेक्टिविटी को बढ़ाए, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाए, रेल कनेक्टिविटी को लाए, रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाए, एयर कनेक्टिविटी को लाए, और हॉस्पिटल खुलवाए, अच्छा हेल्थ सेक्टर में थोड़ा ध्यान दें, एजुकेशन में थोड़ा ध्यान दें, कॉलेजेस कंडीशंस और अच्छे हो जाएं, जो हम कम्पीट कर सकें बाकी जगह से। यही सब मुद्दा होता है ना, पानी की समस्या है, तो यहाँ जो डैम है तेज़ी के साथ बढ़े बने, जिससे कि पानी की समस्या हल हो सके। तो ये तो बहुत दिखने वाला कारण है, छतरा ट्रेजडी है कि बाईपास नहीं है यहाँ पर, रात को यहाँ से बस जाती है, ट्रक जाती है, लोग कैसे सोते होंगे, दोनों तरफ उनके घर है बीच रास्ते से, तो बाईपास और ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ है। क्या लगता है कि राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं विकास में बाधा बन रही है? छतरा का मुझे लगता है इग्नोर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि छतरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, अभी नक्सलिज्म पीछे हुआ है, विकास होना चाहिए, अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है विकास का। और विकास का मतलब है कि इंडस्ट्री सेटअप हो। छतरा
जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, हर जगह का अपना एक आयाम होता है, अपनी एक पहचान होती है, उस पहचान के मुताबिक इंडस्ट्री सेटअप हो, बाकी चीज़ें सेटअप हो, तो क्यों नहीं अच्छा होगा, होगा उसी को खोजने की आवश्यकता है नेतृत्व को। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो राज्य सरकार को हर वो सुविधा देने के लिए तैयार है जिससे विकास हो, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसमें बाधा बन रही है, और अगर भाजपा की सरकार रहेगी इनके मुताबिक तो बेहतर विकास होगा। सोनू कुमार, न्यूज़ 22 छतरा।